हमारा जो दांत होता है उसके दो हिस्से होते हैं, जो आपको अब हम बात कर रहे हैं तो आपको मेरे दांत दिख रहे होंगे, ये क्राउन पोर्शन होता है, ये हिस्सा है जिसमें हमें दांत दिखते हैं, हम खाना खाते हैं, ये वो हिस्सा है। इनकी जड़ें भी होती है, ये जड़ें जो है ये हड्डी के अंदर जाती है। इम्प्लांट वही जड़ का काम करता है, आर्टिफिशियल जड़ को इम्प्लांट बोला जाता है। जब ये दांत कोई भी कारण से निकल गए हो, निकाल दिए गए हो, चाहे इन्फेक्शन हो या दांत हिल रहे हो तो निकल गए हो, उस समय पे उसको रिप्लेसमेंट करने के दो ही तरीके बचते हैं। पहला तरीका है हम बाजू के दोनों दांत को घस के छोटा करके फिर ब्रिज बिठा देवे, या हम बाजू के दांत को बाकी सारे टीथ को ऐसे का ऐसा ही छोड़ देवे, सिर्फ वो एक दांत की जगह पे आर्टिफिशियल जड़ जिसको इम्प्लांट बोला जाता है वो लगा के ऊपर एक कैप लगा दे। तो ये होता है डेंटल इम्प्लांट। किसको कराना चाहिए डेंटल इम्प्लांट? पहला, जब दांत आपका निकला था, वो कोई भी कारण से निकला हो, उस दांत को इमीडिएटली रिप्लेस कराना बहुत जरूरी है। स्टडीज ये बताती है कि अगर आपके पास एक मिसिंग टीथ आज है तो अगले 10 से 12 साल के अंदर अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं हुआ होता है अपना, तो वो एक मिसिंग टीथ इवेंचुअली 8 मिसिंग टीथ के ऊपर तब्दील हो जाएगी। तो वो पहला दांत जो आपका कोई भी कारण से निकला था उसको रिप्लेस करना इम्प्लांट एक उसका टूल है। सी, डेंटल इम्प्लांट जो है बनता 99% टाइटेनियम के बनते हैं। ओके, अभी अल्टरनेट्स आ रहे हैं जिर्कोनिया के और पॉलीमर्स के, बट आज भी वर्ल्ड में मैक्सिमम लोग टाइटेनियम के डेंटल इम्प्लांट्स करते हैं। ये काफी मजबूत होते हैं, खाने के अंदर ऑलमोस्ट नॉर्मल जैसा फीलिंग देते हैं। क्या नहीं खाना है? मैं अपने पेशेंट्स को रिकमेंड यही करता हूँ कि स्टिकी फूड, कोई भी फूड जो चिपकता हो, कैरेमलाइज फूड, चिक्की हो गई अपनी या डेट्स हो गया, इस टाइप की जो खाना होता है वो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऊपर से दांत के ऊपर कितना ही प्रेशर आ जाए इम्प्लांट के ऊपर वो सहन कर लेगा, लेकिन ये जो खिंचाव वाला दबाव होता है ये इम्प्लांट को और आपके क्राउन को डैमेज करेगा। तो डाइट में स्टिकी फूड इज द बिगेस्ट रिस्ट्रिक्शन। कड़क में बादाम खाना है, बादाम भी खा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी अगर आपको मालूम हो किसी को हाथ में फ्रैक्चर हुआ हो या पैर में फ्रैक्चर हुआ हो, तो डॉक्टर्स रॉड या प्लेट डालते हैं। वो रॉड और प्लेट डालने के बाद डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि ये अंदर ही रहेगा आपके शरीर पे, इसको कोई डैमेज नहीं होगा, ये आपके शरीर के साथ ही जाएगा। ये जो रॉड्स और प्लेट बनती है ये भी टाइटेनियम की बनती है। मुंह के अंदर के जो इम्प्लांट्स बनते हैं वो भी टाइटेनियम के बनते हैं। आइडियली ये एक बार कर दिया तो आपकी लाइफ भर चलने चाहिए, खराब नहीं होने चाहिए, इनमें कोई रस्ट, कोई कोरोजन ये सब नहीं होता है। हाँ, इम्प्लांट की लेकिन फिर भी हम बात ये करते हैं कि 10 साल में 90% लोगों में कंफर्टेबल होगा, 10% लोगों में फेलियर होगा। इसका मेजर कारण होता है हमारा बाइट। हम जिस ढंग से खाना खाते हैं ये बाइट कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, ये डायनामिक प्रोसेस है। जैसे एक यंग पर्सन की स्किन टाइट होती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है लूज होती रहती है, ये दांत भी का जो ये बाइट का बैलेंस है ये भी एज होता रहता है। उस कारण से बाइट की बैलेंसिंग कराना बहुत जरूरी हो जाती है। ये साल में एक बार भी कराई जाए तो बहुत है। इम्प्लांट की सक्सेस रेट मेजर ये बाइट से रिगार्डिंग होती है, एंड हेंस अगर प्रॉपर रहा सब तो इम्प्लांट आपको चेंज नहीं कराना होता है। वंस डन इट इज डन।